ये देखो घुसा रहे भाई साहब कैसे। इसीलिए कभी भी ना लेफ्ट में नहीं घुसाना चाहिए, लेफ्ट में कभी नहीं घुसाना चाहिए। एक मिनट, ये तो आपने देखा हम लोगों का रिएक्शन, दैट वी आर टॉकिंग वेरी मोरल एंड थिंकिंग शायद मेरी ही गलती होगी कि मैंने लेफ्ट से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, बट सीन कुछ ऐसा था जो वीडियो एडिटिंग करने के टाइम पे पता चला कि ट्रक ड्राइवर की बहुत बड़ी गलती थी। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर वन। सो गाइस, इट कैन बी सीन कि अभी ट्रक ड्राइवर बिल्कुल लेफ्ट में चल रहा है, व्हाइट पट्टी पे जो व्हाइट लाइन बनी है उस पर चल रहा है। नेक्स्ट, नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स मिडिल डॉट लाइन। अब ऐसे में ओवरटेक करने का कोई मतलब नहीं था मेरा, फिर पता नहीं क्या हुआ भाई साहब को। अब आप ही देख लो। सो गाइस, दिस वीडियो क्लिप आई हैव यूज्ड एंड एक्सप्लेन जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस पर्पस, सो दैट इट कैन बी सीन क्लियरली, मिस्टेक कैन बी डन बाय अदर्स एज वेल, सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल राइडिंग। तो चलिए जी, अपना एडवेंचर का जो ब्लॉग है उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से लेने वाले हैं लेफ्ट। सो गाइस, आप देख सकते हैं सामने है ऑफ रोड एडवेंचर जोन, यहाँ से ऑफ रोडिंग कुछ होने वाली है आज। अब पता नहीं इन कहाँ पे चल रहा है, देखते हैं। सो गाइस, ऐसा कुछ है ऑफ रोडिंग, आई डोंट नो, वी हैव टू टेक अ लेफ्ट, वी हैव टू टेक अ राइट। ओके, अच्छी बात है कि जहाँ तक बोर्ड लगे हुए हैं ऑफ रोडिंग एडवेंचर का, सो काफ़ी आसान हो जा रहा है। मुझे लगता है यार ऐसा कुछ ट्रैक तो नहीं है। ओके ओके, ऑफ रोडिंग एडवेंचर का ट्रैक। ओके, यहाँ पे ना एडवेंचर का ट्रैक ऐसा कुछ बना हुआ है, इधर चलना है आगे चलना है, इस तरफ ही आई थिंक। यहाँ तो ऐसे कुछ लग नहीं रहा, आगे हुआ फिर आगे आ जाओ आगे। दिस इज कम्प्लीटली एडवेंचर, यू नो, सी। ओ नाइस यार, पूछते हैं यहाँ पे कोई बाइक है, इवेंट चल रहा है। हाँ जी, थ्रॉटल शॉटल इवेंट चल रहा है, क्या बोल रहे हो? वो जो आप बनाए हुए वो सिर्फ क्या फोर व्हीलर के लिए है? नहीं, यहाँ पे बोल रहे ये यहाँ से कार जंप होती है क्या? कार जंप होती है क्या यहाँ से? अच्छा, वहाँ से आएगी और ऐसे यहाँ से जंप करेगी। सो गाइज, यहाँ पे एडवेंचर का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आपको एडवेंचर्स बाइक है, ऐसे हिमालयन हो गया, पल्स हो गई, तो यहाँ पे ऐसे बाइक आती है, यहाँ जंप मारती है, वहाँ पे भी आती है। वो कार का बना हुआ है वो ट्रैक। यहाँ पे गाड़ियाँ भी उस तरीके की है ना, ऑफ रोडिंग के लिए, वहाँ पे देख सकते हो, या फिर ए वाली जो गाड़ी है ये सारी ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है। अच्छी बात है, यहाँ तिरंगा लहर रहा है, 15 अगस्त को लहराया गया होगा। और यहाँ पे समथिंग मेंशन है तुम्हारे नाम से, देखो यार, अंश एडवेंचर, अंश एडवेंचर। सो गाइस, है तो काफ़ी शानदार चीज़ें यहाँ पे एडवेंचर के लिए सारा कुछ। और हमारे साथ है अंश, और एडवेंचर का नाम भी है अंश एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स। सो गाइस, हम लोग पे यहाँ पे आए हुए थे कि कुछ ऐसा इवेंट अगर होने वाला हो तो अटेंड करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आई थिंक देयर इज सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई गॉट, बट ये चीज़ है ना कि कुछ नया चीज़ देखने को मिला है यहाँ पे। सो मैंने यहाँ देखा कि ऑफ रोड एडवेंचर का यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है, एडवेंचर स्पॉट है यहाँ पे, मोटरसाइकिल एडवेंचर या फिर कार एडवेंचर की जाती है। देख सकते हैं इस तरह का ट्रैक बना हुआ है, बाइक यहाँ से जाती है, इस पर ऐसे चलती है और फिर वहाँ जंप मारती है, ऐसा कुछ है एडवेंचर यहाँ पे स्पॉट। और सामने जो वहाँ दिख रहा है वहाँ पर ना, आई थिंक कार के लिए बनाया गया है, कार के लिए एडवेंचर के लिए। वहाँ पे ऐसे चढ़ेगी एक तरफ से उतर जाएगी वहाँ से। सो गाइस, यहाँ पे आया था ऑफ रोड एडवेंचर जोन पे कि यहाँ कुछ इवेंट हो रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का थोड़ा पोपट हुआ है। थ्रॉटल शॉटल का कुछ इवेंट हो रहा था क्या इस तरफ? कोई इवेंट नहीं हुआ था यहाँ पे, वो मोटर रेंज पे हो रहा है।
अच्छा काफी दूर है क्या यहाँ से? नहीं नहीं पास में ही है, बट वो सारा ट्रायल वाला रास्ता है ना पीछे से। अच्छा मतलब वही है, ऑफ रोड होगा 2-4-5 किलोमीटर। एडवेंचर होते हैं ऑफ रोड एडवेंचर, आप यहाँ से रेंटेड बाइक ले सकते हैं और आप चला सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैक बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे। और ऐसा कुछ यहाँ पे जगह है ऑफ रोड एडवेंचर का, और यहाँ पे थ्रिलिंग एटीवी राइडर्स पोलारिस एडवेंचर मोटर्स 25 plus 1500 1600 plus 1500 1700 1800 and 7 to 14 years also इसमें एज है इसका। और कुछ इस तरह की बाइक होती है, इसे एडवेंचर की जाती है। सिस्टम है सो गाइज, ये है ये ऑफ रोड राइडिंग एडवेंचर का प्रीमाइसिस है गाइज, और यहाँ पे रेंटेड बाइक्स भी मिलती है। सो सामने का दिख रहा है आपको सुजुकी कटाना, ये जस्ट लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले ही बाइक है गाइज, सुपर बाइक। कुछ ये सीन है गाइज, और सामने एक राइडर्स चला रहे हैं, आई थिंक काफ़ी कम एज का है जो लगता है राइडर है। ओ दिस इज वेरी, मुझे लगता है कि ये 7 to 10 years का ये बच्चा है जो राइड कर रहा है। दिस इज द एज ऑफ 7 to 8, 7 to 10 के बीच में होगा ये। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जैसे ले चलोगे चलेंगे तुम्हारे साथ। सो गाइस फाइनली हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग थ्रॉटल स्वाटल का जो भी इवेंट हो रहा है वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। सो यहाँ पे एक हमारे बंदे मिले जो कुछ हम लोग हेल्प किए बताने में कि कैसे जाना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत नहीं आना है गाइस। एक बात है कि नाइट करने के बाद ना भाई साहब घर में जाकर ना सो जाता था, नाइट करने के बाद ना जब मैं बाइक चलाता हूँ ना स्पेशली ग्रुप राइड करता हूँ तो मुझे थोड़ा भी टायर्डनेस नहीं लगता है। हालांकि जब मैं ऐसा राइडिंग वाइडिंग करता नहीं था तो नाइट करने के बाद ना बिना खाना खाया बिना नाश्ता किए जाकर ना जब सो जाया करता था। आज सोचता हूँ कि नींद क्यों नहीं आ रही है, नींद गई कहाँ पर। गाइस मैं तो ये समझता हूँ कि आपका माइंड जो है ना बहुत खुराफात होता है, जैसे जैसे वो सिग्नल देते हो जो कहते हो ना वही करता है। वो बाइक स्किड कर रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ना रेत वाली रोड है, थोड़ा बाइक में स्किड कर रही है बालू की वजह से, स्लिप मार रही है बालू है ना। हाँ गुड़गांव में ही इतनी अच्छी खासी एडवेंचर हो रही है, बाइकर का एक ही मकसद होता है बस बढ़े चलो। हम बढ़े चले जा रहे हैं बिल्कुल। अब कोर्स यार उधर ट्रीज है ना, ट्री देखो ना ऐसे ढका हुआ है ऐसे रास्ता। गुड़गांव में गांव वाला फील गाइज, व्हाट अ व्यू, ऐसे लग रहा है कि गुफा है, केव है।